हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। 2024 का यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स अभी 2 दिन पे ही आ चुका है। 2 दिन भी नहीं कहूँगा, उससे भी कम समय भी बचा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई यहाँ पे अच्छे से हुई है। जीएस की हो या सीसैट की हो, आपने अच्छा रिवाइज भी किया होगा। चाहे आपका स्टैटिक सिलेबस हो या करंट अफेयर्स हो या सीसैट हो, आपने उसे अच्छे से पढ़ा होगा। अपने PYQs हो गए होंगे या कोचिंग क्लासेस के MCQs रह गए सीरीज के, वो अच्छे से सॉल्व किए होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अच्छी पढ़ाई की होंगी। बस मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि एग्ज़ाम के दिन आप पैनिक मत होइएगा। आप शांति से पेपर सॉल्व करना। पेपर कितना भी डिफ़िकल्ट हो तो सबके लिए डिफ़िकल्ट रहेगा, केवल आपके लिए नहीं रहेगा। तो उसका कट ऑफ ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। पेपर अगर सिंपल रहा या आसान रहा तो कट ऑफ उसका थोड़ा ऊपर जाएगा। तो हमें इसके बारे में सोचना है। दूसरी बात यह है कि पेपर कैसा भी रहे, हमें शांति से उसके सारे के सारे क्वेश्चंस शांति से पढ़ने हैं, उसके ऑप्शन शांति से पढ़ने हैं। सोच के ही उसके ऑप्शन को हमें मार्क करना है। जीएस के पेपर में पर्याप्त समय मिलता है हमें, जो 100 क्वेश्चन रहते हैं उसको अटेम्प्ट करने के लिए। तो यहाँ पे बिल्कुल ही जल्दबाजी मत कीजिए। जल्दबाजी करोगे तो आपके सवाल गलत भी हो सकते हैं। तो शांति से पेपर सॉल्व करो और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप यहाँ पे लेके आ सकते हो, प्रोवाइडेड दैट कि आप सिली मिस्टेक यहाँ पे नहीं करोगे। बहुत बार UPSC सिली मिस्टेक के ट्रैप में आपको फंसा सकती है, इससे हमें बचना है। CSAT में भी जो आपने अच्छा किया होगा, कॉम्प्रिहेंशन हो या रीजनिंग हो या मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन होंगे, तो आपको उसे अच्छे से अटेम्प्ट करना है, अच्छे से सॉल्व करना है, जिसकी वजह से आपको UPSC प्रीलिम में पास होने में सहायता होगी और फ़ायदा होगा। तो बस आप 2 दिन अभी शांति से रहिए, अच्छी नींद ले, अच्छा खाना खाएं, अपने सेहत पे अच्छे से ध्यान रखें, ताकि हम UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के वक्त काफ़ी अच्छे फील करेंगे और हम काफ़ी अच्छे से अपना पेपर सॉल्व कर पाएंगे। तो वंस अगेन आपको ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024।